an ideal gas enclosed in a vertical cylindrical container support a freely moving piston of mass m, the piston and the cylinder have equal cross-section area. When the piston is equilibrium, the volume of the gas is V0 and its pressure is P0. The piston is slightly displaced from its equilibrium position and released, assuming that the system is completely isolated from its surrounding. The piston executes simple harmonic motion with frequency. Okay, तो frequency कितना है ये अपने को find करना है. यहाँ पे frequency अपने को find करना है. Okay, तो सबसे पहले यहाँ पे बात करते हैं अपन restoring force कितना होगा. तो restoring force की बात करें तो ये होगा minus change in pressure into area होगा. Right? Okay, इसको compress करेंगे तो pressure change होगा ना. तो change in pressure into area होगा. Okay. और यहाँ पे अपने को बोल रखा है कि यहाँ पे अगर एडियाबेटिक प्रोसेस अपन दिख रहा है, एडियाबेटिक प्रोसेस की बात कर रहे हैं, तो यहाँ पे मैं क्या लिखता हूँ, चेंज इन प्रेशर डिवाइडेड बाय चेंज इन वॉल्यूम, क्या लिखता हूँ, गामा गामा पी नोट बाय वी नोट लिख सकते हैं. तो यहाँ पे मेरे पास चेंज इन प्रेशर का फॉर्मूला आ गया. तो चेंज इन प्रेशर क्या लिखता हूँ, गामा गामा पी नोट अपॉन वी नोट, गामा पी नोट इंटू वी नोट, और ये क्या आ जाएगा अपने पास, डेल्टा वी ए इंटू डेल्टा वी आ जाएगा. ओके okay, तो देखो यहाँ पे या तो फिर यहाँ माइनस लो या फिर यहाँ माइनस लो, तो मैं यहाँ माइनस नहीं लेता हूँ. तो ये मेरे पास क्या है, रिस्टोरिंग फोर्स आ गया. तो ये रिस्टोरिंग फोर्स है, तो यहाँ पे अपन और इसको एक्स के फॉर्म में लिखें, तो ये तो आपके पास गामा है और ये पी नॉट है, ये एरिया है और ये वी नॉट है. तो इस चेंज इन वॉल्यूम को क्या लिखता हूँ, एरिया इंटू कितना डिप्रेस किया, डिप किया इसको, यानी एक्स मैंने डिप किया थोड़ा सा, तो फिर ऐसा चमुआ तो एक्स लिख देते हैं. तो ये क्या आ जाएगा आपका, के आ जाएगा. यानी अगर के बारे में लिखूँ तो ये आ जाएगा गामा प्लस है गामा P नोट A स्क्वायर डिवाइडेड बाई V नोट. ये क्या आ गया आपके पास, K आ गया. ओके okay, अपने पास K है और फ्रिक्वेंसी पूछा है, तो फ्रिक्वेंसी का फॉर्मूला क्या होता है, फ्रिक्वेंसी के फॉर्मूले की बात करें तो फ्रिक्वेंसी या फिर मैं F लिख दूँ, फ्रिक्वेंसी इज इक्वल टू वन अपॉन टू पाई, वन अपॉन टू पाई, और ये क्या आ जाएगा, के बाई एम हो जाएगा. राइट right? ओके okay, तो यहाँ वैल्यू पुट करो के बाई एम. तो यहाँ पे के कितना है, वन अपॉन टू पाई, के है आपके पास गामा P नोट A स्क्वायर डिवाइडेड बाई m into v नॉट. तो ये आंसर होगा आपका, चेक करो कौन सा आंसर सही है, c सही लग रहा है ना, c सही है, d सही है, d आंसर होगा. नेक्स्ट.